हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज सुबह सुबह की मॉर्निंग है और दिखाती हूँ आपको, अभी 7 बजे हैं। इतनी ज़्यादा धूप हो गई है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ठंडी हवा चल रही है। तो मैं भी थोड़ी देर यहाँ बैठी थी, बड़ी अच्छी हवा लग रही थी। लेकिन ये जो अभी ठंडी हवा चल रही है ना, ये थोड़ी देर में ऐसी गर्म हवाएं बन जाएंगी कि निकलना मुश्किल हो जाएगा। और आज तो मेरा सुबह की मीटिंग में एग्ज़ाम नहीं है कॉलेज में, लेकिन मुझे जाना है आज 1:30 पे। एक्चुअली मैं 2 बजे से एग्ज़ाम है, तो मुझे 1:30 कॉलेज पहुंचना है। और मुझे सोच सोच के टेंशन हो रही है कि कैसे जाऊंगी मैं 1:30 पे, लेकिन काम है तो जाना तो पड़ेगा ही। और मैं दिखा दी अभी आपको, 7 बजे हूँ। 7 बजे आप देख सकते कितनी ज़्यादा धूप फैल गई है पूरे में, बहुत ज़्यादा धूप है। और मैं यहाँ देख रही थी अपने, अभी प्लांट्स लगे हैं मेरे बहुत सारे, बट अभी इनकी कंडीशन सही नहीं हो रही है। मैं दिखाती हूँ आपको अपने प्लांट्स, बहुत सारे लगा रखे हैं मैंने, लेकिन अभी इनकी कंडीशन बहुत ख़राब हो रही है। आप देख सकते हैं पत्तियाँ कैसे जल रही हैं। ये मनी प्लांट है, ये अभी बहुत ज़्यादा ग्रीन था, लेकिन ये बिल्कुल भी ख़राब हो रहा है यहाँ पर। तो मैं सोच रही हूँ कि इसको या तो मैं अंदर रख लूँ अभी रूम में, या फिर यहाँ पर इस तरह की जो लाइनिंग डली हुई ना, तो ऐसी ही लाइनिंग मैं सोच रही हूँ कि यहाँ भी डाल दूँ, तो शायद धूप से और लपट से थोड़े से ये बच जाएँ। वैसे मैं क्या करती हूँ, जब भी सीज़न चेंज होता है तो मैं प्लांट्स की जगह चेंज कर देती हूँ। इस बार थोड़ा ज़्यादा व्यस्त रही तो मैं अपने प्लांट्स को उठा नहीं पाई यहाँ से, और अब सोच रही हूँ कि कुछ ऐसा इंतज़ाम कर दूँ जिससे कि ये बच जाएं। एक आइडिया मैं आपको भी बताती हूँ कि देखो, जितने भी ये मनी प्लांट से मेरे, ये देखिए लंबी लंबी ये जो लड़ियाँ निकल रही हैं, और इनसे मैंने बहुत सारे बेबी प्लांट बनाए हैं। ये देखो ये इसी में अंदर, इसकी जो रूट्स है वो इसी के अंदर आ गई है, लेकिन अभी मैंने इसे कट नहीं किया है, मदर प्लांट से ये जुड़ा हुआ है। बहुत सारे में मैंने बनाए हैं, मैं आपको और दिखाती हूँ। ये देखो, एक छोटा सा, ये छोटे से गमले में मैंने इसे लगाया है, और ये देखो कितना बढ़िया इसमें ग्रोथ कर रहा है। अगर आपके आपका मनी प्लांट नहीं लगता है, तो आप इस तरह से ट्राई कर सकते हैं। ये जो बेबी प्लांट होता है, इसे आप मदर प्लांट से अलग मत करिए, छोटे से गमले में इसे लगा दीजिए, और कुछ दिनों बाद ये खुद ही सर्वाइव हो जाएगा। जब इसकी जो रूट्स हैं वो मिट्टी के अंदर चली जाएं, तो आप यहाँ से इसको कट कर सकते हैं। तो आप इसे कट कर दीजिए, तो ये पूरी तरह से बना रहेगा, ये बिल्कुल भी नहीं मरेगा। ये देखो, मैं दिखाती हूँ अभी आपको, यहाँ से ये देखो रूट्स इसके अंदर हैं, ये रूट्स इसके अंदर हैं, और अभी ये इसके अंदर जुड़ा हुआ है। एक मदर प्लांट से मैंने देखी कितने सारे बेबी प्लांट बनाए हैं। इस वाले गमले में भी ये है, और इधर से आकर के ये दूसरे वाले गमले में भी अटैच हो गया है। तो अभी मैं क्या करूँगी, अभी मैं इसे नहीं छेड़ रही हूँ, जब बरसात का सीजन आएगा तब मैं इसको यहाँ से कट कर दूंगी, और इसे भी मैं यहाँ से अलग कर दूंगी। तो ये दो में, मेरा ये दो गमले में ये लग जाएगा, बहुत आसानी से लग जाते हैं ये। ये देखिए क्रोटन है, अभी थोड़ी सी ग्रोथ कम हो रही है। एक और मैं आपको दिखाती हूँ इसी तरह से, ये देखिए स्पाइडर प्लांट है ये मैंने मदर प्लांट से निकाल करके छोटा सा इस तरह से, देखो स्पाइडर प्लांट में इस तरह से ये बेबी प्लांट निकलते हैं। इनको यहाँ से कट करके आप दूसरे उसमें गमले में इसे, दूसरे गमले में इसे लगा सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इस तरह से कट करने से ये ख़राब हो जाता है, नहीं लग पाता है, कभी कभी लग जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, कोई भी प्लांटर रख देती हूँ, और इसे पूरा इसमें लगा देती हूँ, उस दूसरे वाले प्लांटर में लगा देती हूँ। तो ये देखो, इसे अभी मदर प्लांट से जुड़ा हुआ है, मैंने इसे अभी हटाया नहीं है, और आसानी से आप देख सकते हैं ये यहाँ पे सर्वाइव भी कर गया। देखो बिल्कुल ग्रीन है अभी, इसकी जो रूट्स है वो मिट्टी में दब गई हैं। अब ये लग जाएगा, जब ये अच्छे से और थोड़ा सा ये थोड़ा सा और हेल्दी हो जाएगा, तब मैं इसको यहाँ से कट कर दूंगी। अभी ये थोड़ा सा और बड़ा हो जाए तो इसके साथ भी मुझे यही करना है।
इस तरह से आप बहुत सारे जो बेबी प्लांट हैं उनसे बहुत नए नए प्लांट्स बना सकते हैं। मैं अभी आपको और दिखाऊंगी, भी थोड़ा सा गर्मी बहुत ज़्यादा है तो पेड़ बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। अभी मैं इनको सही करूंगी तो आपको दिखाऊंगी। बहुत सारे लोगों की शिकायत है प्लांट नहीं लगता है, या जब भी मैं कोई भी नया प्लांट लगाती हूँ तो वो लगता नहीं है। तो इस तरह से अगर आप ट्राई करेंगे तो वो प्लांट ज़रूर सर्वाइव करेगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो भाई चलते हैं अब किचन की तरफ, रास्ते का टाइम हो रहा है और भी मेरा जो काम चल रहा है रूटीन वो दिखाती हूँ आपको। क्योंकि क्या है, सुबह सुबह से आप जितना भी काम कर लो तो कर लो, दोपहर के बाद आप काम नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो मैं क्या करती हूँ, सुबह सुबह ही कोशिश करती हूँ एक साथ दो तीन काम करने की, मेरी आदत ही है एक साथ दो तीन काम मैं करती हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ, अंदर दिखाती हूँ आपको क्या क्या काम मेरा चल रहा है, क्या क्या पेंडिंग में डला है। सुबह से उठ करके मैंने डस्टिंग क्लीनिंग तो कर दी थी और मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखो अभी देखो मेरे ठाकुर जी सो रहे हैं। लेट जाना है कॉलेज तो थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा करके उसके बाद आऊँगी। कुकर में सीटी आ रही है, नाश्ता बन रहा है मेरा, दिखाती हूँ आपको ये देखो। आज मैंने चने डाले हैं फूलने के लिए, चने को बॉयल करूँगी आज मैं। इस सीजन में चना बहुत फ़ायदा करता है। और एक तरफ मेरा देखो ये बेसन भुन रहा है, बेसन क्यों भुन रहा है, क्योंकि मुझे बनाने हैं लड्डू। नाश्ता ख़त्म हो गया है तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा सा बनाती चलूँ। और काना छासी में है, उन आया था कि मामा कुछ बना के भेज दो, तो वैसे मैं इनको भून के रख दूँ, कॉलेज से लौटने के बाद शाम को बना दूँगी लड्डू। ये देखो एक और मेरा काम यहाँ चल रहा है, और बेसन मेरा पिस गया है, देखो मैं दिखाती हूँ। मैं इसको छान रही थी, छान के डिब्बे में भर दूंगी ना है, तो इतना आटा मैंने पीस लिया था और अभी इसे पीसना है। सुबह सुबह से मैंने यहीं चक्की लगा दी तो वो भी काम होता जा रहा है। ये चक्की ना बहुत सही है क्योंकि इसमें ऐसे नहीं बैठना नहीं पड़ता, इसमें आप इसमें गेहूँ भर दो और ये आराम से चलती जाती है। यहीं पास में मेरी किचन है तो यहीं मैं किचन में काम करूँगी और ये इसको भी देखती जाऊँगी। तो मेरा आटा भी पिस जाएगा और बेसन पीसना था तो बेसन भी पिस रहा है, और सारी चीज़ों को फिर छान के भर के एक सा करके रख दूँगी। एक साथ ये सारे काम चलते रहते हैं और सुबह सुबह से ही मैं कर लेती हूँ जल्दी जल्दी, तो दोपहर में मुझे नहीं थोड़ी सी राहत मिल जाती है। क्योंकि गर्मी है ज़्यादा और काम तो करना ही है, ऐसा तो है नहीं कि गर्मी पड़ रही है भाई तो काम नहीं करो, काम तो सारे ही करने पड़ेंगे। और लेकिन उसको मैनेज कर लेते हैं तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो गाइस खाना बन गया है मेरा और किचन वगैरह मैंने साफ कर ली है, और अभी टाइम है मुझे कॉलेज जाने में, तो मैं सोच रही हूँ क्या करूँगी। ये देखो आटा भी पीस के रख दिया है मैंने पूरा। अभी हमने आटे को छान के नहीं रखा है क्योंकि अगर मैं छानती तो मेरे बाल वगैरह सारे वाइट वाइट हो जाते, बहुत अजीब से हो जाते हैं। ये वाला जो काम है इसे मैं अभी ढक के रख दूंगी आटा को, और कल सुबह इसको मैं छान के भर के रख दूंगी। खाना खा के रेस्ट करूंगी थोड़ी देर, उसके बाद जाऊंगी कॉलेज। ये देखो बेसन भी भून के रख गया है, और कॉलेज से आने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैं बनाऊंगी इसके लड्डू। तो गाइस मैं जा रही हूँ कॉलेज और देखो किस तरह से कवर होके जा रही हूँ पूरा। हेलो गाइस, मैं जब शाम को 4 बजे आई कॉलेज से, बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो मैं तो थोड़ी देर रेस्ट किया मैंने, उसके बाद फिर जो बेसन भून के रखी थी आपको दिखाया था तो वो लड्डू बनाए, बहुत ही यमी लड्डू बने हैं। रेसिपी नहीं शेयर कर पाई आपके साथ, किसी और दिन मैं लड्डू बनाऊंगी तो आपके साथ रेसिपी शेयर कर दूंगी। एक्चुअली मैं क्या था कि जब मैं लड्डू बनाने बैठी तो कुछ लोग मिलने वाले आ गए, वो बैठे थे उसी समय मैंने लड्डू बनाए तो वीडियो शूट नहीं कर पाई। मार्केट जैसे लड्डू बने हैं क्योंकि ये लड्डू मुझे बेचना है काना के पास, तो बस उसी का सामान मैं लगा रही थी अभी। बेटे को बेसन के लड्डू बहुत पसंद है, कुछ मीठा भेज देना, तो बस यही बोलता रहता है माँ कुछ मीठा बना के भेज देना। तो मैंने अभी उसके लिए लड्डू बनाए हैं और थोड़ा सा पेठा उसके लिए पैक करना है, मीठा बहुत पसंद है। हस्बैंड मेरे वीकेंड पर आते हैं, सैटरडे को आएंगे, मंडे को अर्ली मॉर्निंग चले जाते हैं,
तो बस उसी की सारी पैकिंग है और सुबह का टिफिन में बना देती हूँ दोनों लोगों के लिए, तो बस वही सारा सामान पैक करके रख दिया है अभी। और भी उसका नाश्ता जो बनाना है वो मैं अगले वीकेंड पर बनाऊँगी, अभी नहीं बना पाई तो बस इतना ही बनाया है। और अब देखती हूँ इसके बाद बाकी का क्या काम करती हूँ। बाकी का और कोई काम ऐसे अब नहीं है, मैं कोई नहीं फैलाने वाली हूँ कि पूरा दिन मेरा व्यस्त रहा है आज। अब बनाऊँगी शाम का खाना, बनाने के बाद बस आज का ब्लॉग ख़त्म करूँगी। हेलो गाइस, तो अभी हम शाम का खाना बनाने जा रहे हैं और आज शाम का जो आज सब्जी बना रही है वो मैं अपनी गुलना से बनवा रही हूँ। इसे सिखा रही हूँ कि सब्जी कैसे बनाते हैं। वैसे ये बना लेती है लेकिन आज मैं थोड़ी सी अलग टाइप की सब्जी बना रही हूँ तो वो इसे बता रही हूँ। आज ये बनाएगी सब्जी। तो ये है तोरई। वैसे ये वाली जो सब्जी बनाते हैं इसमें थोड़ी बड़ी वाली तोरई की जरूरत होती है। मैंने अभी नॉर्मल जो आती है उसी को ले लिया है। और इसके लिए मुझे चाहिए पड़ेंगे थोड़े से फूले हुए चने, इन्हें बॉयल नहीं करना है, और वो जो रेगुलर मसाले होते हैं बस वही चाहिए। बहुत टेस्टी सब्जी बनती है और बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक भी होती है। एक्चुअली मैं जब मुझे लास्ट ईयर कोरोना हो गया था तो उस समय मैं क्वारंटीन पे थी और ये थोड़ा बहुत खाना बनाना उसी समय सीखी है। इसके पापा उसको सिखाते थे कि इस तरह से सब्जी कट करनी है, इस तरह से सब्जी बनानी है और आटा किस तरह से गूंथना है, तो कर लेती है थोड़ा बहुत, जैसे कभी ज़रूरत पड़ती है तो कर लेती है। और थोड़ा सा अलग तरह की ये सब्जी है और ये सब्जी मैंने अपनी मौसी से बनाना सीखी थी। उनके यहाँ जब मैं रहती थी तो वो बनाती थी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी और उनसे सीख करके अब मैं बनाने लगी हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी ये रेसिपी बताऊँ। गर्मी बहुत हो रही है और बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, किचन में ना बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, लेकिन काम तो करना ही है तो अभी कल के मैं जा रही हूँ बाहर और उसके बाद थोड़ी देर बाद देखने आऊँगी कि ये कैसे बन रही है। मेरा बेटा भी बना लेता है बहुत सारी चीज़ें और इसको भी मैं ट्रेन कर रही हूँ। वैसे तो बना लेती है बहुत सी चीजें और धीरे धीरे आपको इसको। चलिए अभी हम सब्जी को चेक कर लेते हैं कि अभी इसका क्या हाल है और अगर पानी कम होगा तो इसके थोड़ा सा और पड़ेगा, इसमें पानी और डाला जाएगा। तो अभी इसको चलाएंगे थोड़ा सा धीरे से और थोड़ा सा पानी डाल के इसको बंद कर देंगे। बस अब इसे कवर कर देंगे। मैंने आपको बताया था ना कि सब्जी के लिए थोड़ी सी मोटी वाली तोरी अच्छी होती है क्योंकि मोटी वाली तोरी पानी छोड़ती है, तो इसमें एक्स्ट्रा पानी बहुत ज्यादा नहीं डालना पड़ता। ये वाली जो तोरी है वो भी नॉर्मल तोरी है तो इसमें थोड़ा सा पानी हमें ऊपर से डालना पड़ रहा है। सब्जी बनाते समय थोड़ी सी धनिया पत्ती इसमें डाल देते हैं तो बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। और जब सब्जी बन जाएगी उसके बाद भी थोड़ी सी धनिया पत्ती इसमें डालेंगे। तो गाइस देखो, सब्जी बनाते बनाते इतनी गर्मी लगी कि गुन्नू ने कोल्ड कॉफी बना डाली। ये बहुत टेस्टी बनाती है, बहुत ही यम्मी। अभी पी के भी दिखाऊंगी कैसी लग रही है। कैसी बनी? बहुत टेस्टी। यम्मी, बहुत टेस्टी बनी। कोल्ड कॉफ़ी दोनों बच्चों को बहुत पसंद है। खाना आता है तब वो अपने हाथों से बनाता है और ये भी अपने हाथों से बनाती। मैं कभी नहीं बनाती कोल्ड कॉफ़ी मैं केवल चाय बनाती हूँ, हॉट कॉफ़ी बनाती हूँ। कोल्ड कॉफ़ी ये बनाती है या फिर खाना बनाता है। तो गाइस देखो, सब्जी बन गई है, बहुत टेस्टी सब्जी बनी है। ऑफ कोर्स मैंने बनाई है।
हाँ गुन्ना ने बनाई है ना, तो बहुत अच्छी बनी होगी और आप लोग भी ट्राई करिएगा। और हम लोग चलते हैं बस डिनर की तरफ और डिनर करते हैं। तो गाइज ये था मेरा पूरे दिन का रूटीन और मैंने आपके साथ भी शेयर किया है, तो आपको कैसे लग रहा है मेरे ब्लॉग मुझे ज़रूर बताइएगा। और वीडियो देखने के बाद आपको करना क्या है, लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करके मुझे बताना है। आज मैंने सिलाई नहीं की है बिल्कुल भी, लेकिन मेरा आज थोड़ा सा अलग सा रूटीन रहा है। तो गाइज ये था मेरा आज का पूरे दिन का शेड्यूल कि आज का दिन मेरा कैसा गया और मैंने उसे किस तरह से इंजॉय किया। तो अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो जल्दी ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।